की चीज होती तो करबला में हुसैन के जिम्मे था, छोड़ देते जब तलवारें जिगर काट रही थी और बच्चों के सर उड़ा रही थी। और जहर की नमाज का वक्त दाखिल हुआ, जुमे का दिन था। तो ये तो वो लोग हैं जिनको अल्लाह के नबी ने कहा जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं हसन और हुसैन, वो ना पढ़ते नमाज। अभी तो मौत सर पे खड़ी और अल्लाह के नबी आए हुए लेने के लिए, चूंकि जंग से पहले नींद आ गई तो आंख खुली तो हंस पड़े। तो बहन जैनब ने पूछा, भाई ये कोई हंसने का मौका है? हाँ, अभी ख्वाब में अल्लाह के नबी को देखा है, फरमा रहे बेटा मैं लेने आ चुका हूं। तो अब छोड़ देते, लेकिन अगर छोड़ते तो उनकी जात को कोई नुकसान न था, हमें मैसेज अधूरा मिलता, अधूरा। और मैसेज पहुंचाना था कि जेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने, नमाज करबलाओं में भी नहीं छोड़ी जा सकती, तो जॉब और शॉप की क्या हैसियत। का के बारे में मुझे पता चला कि साथी उसके घर खाना नहीं खाते कि हराम कमाई, तो वो बहुत डिसहार्टेड है। अब नया नया तबलीग में आ रहा था, मेरा आगे कहीं सफर था, जमात में जा रहे थे, कराची से आगे जाना था। तो मैंने उसे फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ, मैं खाना तेरे घर खाऊंगा। तो वो कहने लगा मेरे घर? मैंने कहा हाँ तुम्हारे घर। फिर कहने लगा मेरे घर? मैंने कहा हाँ तुम्हारे घर। कहा वाकई मेरे घर? मैंने कहा हाँ वाकई तुम्हारे घर। कहा ये तो मेरा तो घर था, कोई नहीं खाना खाता, कहते हराम है। मैंने कहा मैं इतना बड़ा मौलवी नहीं हूं, मेरा गुजारा हो जाए। कुछ अरसे बाद वो चार महीने के लिए जमात में चल रहा था। लोगों को मोहब्बत। मैं रायमंड में बैठा था, एक शख्स आ गया, कहा जी वो मुबारक सिनेमा लाहौर में था, उसका मालिक आ रहा था चंद दिनों से रायमंड, आज वो कुछ घर से लेकर आया तो एक दी वहां किसी रायमंड में किसी को पेश की, तो उसने इनकार कर दिया, मैं नहीं खाता, आपकी कमाई हराम है। तो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहा, मैंने कहा उसे ले आओ जल्दी से मेरे पास। वो उसको लेकर आए तो मैंने कहा जी क्या नाम है? कहा जी हारून। क्या करते हो? तो उसने सर यूं कर लिया, मुझे छोटा सा बिजनेस है। मैंने कहा क्या बिजनेस है? बहुत छोटा मोटा बिजनेस। मैंने कहा भाई बताओ तो सही। कहीं सिनेमा है, सिनेमा है। मैंने कहा कौन सा सिनेमा? मुबारक सिनेमा, मुबारक। मैंने कहा मुबारक? हाँ वो जिसमें शमा परवाना मैंने देखी थी, वो मुबारक साहब उसके जो ओनर थे, पहले उनकी फोटो आती थी, मर गए थे वो, उनका सैड म्यूजिक चलता था, बाद में फिल्म चलती थी, वो मुझे ऐसे देखने लगा, ये क्या कह रहा है? मैंने उसे यूं दोस्ती लगाई, दिन के बाद देखा तो इतनी बड़ी दाढ़ी के साथ चार महीने लगा। लोग फतवे देने में बड़ी जल्दी करते, बदगुमान बड़ी जल्दी होते, किसी में 100 खूबियां हो एक कमी हो सारी पे कांटा फेर देते। मैं अपने डेरे में था, एक इंजीनियर पढ़ा लिखा बड़ा आ गया, तुम तबलीग वाले मुनाफिक हो, तुम तबलीग वाले जो है ऊपर से कुछ हो अंदर से कुछ हो, ये करते ये करते ये करते, शुरू शुरू शुरू। मेरे डेरे में था, मुझे बोलना नहीं था, मेरा मेहमान था, मेहमान तो जूता भी मारे तो हमें सहने का हुक्म है। मैं चुप करके सुनता रहा। जब वो सारा कुछ बोल बैठा तो मैंने कहा भाई साहब अल्लाह ताला ने परफेक्शन नहीं मांगी, काउंटिंग कहा है, काउंटिंग करूंगा। 100 नंबर नहीं मांगे, कहा है मैं काउंटिंग करूंगा, अगर तुम्हारे 51 हुए तो बाकी माफ कर दूंगा। तो जो गुना ऐब सवाब आप बता रहे हैं, मुमकिन है अल्लाह माफ कर दे उन नेकियों की वजह से जो तबलीग वाले कर रहे हैं। और किसी को बुरा कहना ये अपने बुरा होने की पहली निशानी है। मेरे नबी ने फरमाया किसी के बुरा होने के लिए यही काफी है कि दूसरे को बुरा कहे। ये मैं उसे नहीं कहा, ये वैसे आपको बता रहा हूं, उसको ये मैंने नहीं कहा, आपसे अर्ज कर रहा हूं कि मेरे नबी ने फरमाया कि किसी के बुरा होने के लिए इतना ही काफी है कि दूसरों को बुरा समझो। मैंने कहा अल्लाह ने काउंटिंग रखी है, काउंटिंग
और मैंने कहा ये जो हुकूमत पाकिस्तान है ये कोई इतनी अच्छी हुकूमत नहीं है, लेकिन ये भी अपने रियाया के लिए इतनी रहम दिल है कि जो लड़का 33 नंबर ले उसको पास कर देते हैं, 67 नंबर नहीं लिए कोई भी नहीं कहता कि तू फेल है, सब कहते तू पास है, तू पास है, तू पास है। फेल होने का ताना को नहीं दे सकता, पास है, ठीक है। मैंने कहा अल्लाह इस हुकूमत पाकिस्तान से करोड़ों गुना ज्यादा मेहरबान है, पता नहीं कौन सी नेकी पे मेहरबान अगर जाओ। लेकिन जो का मिजाज बन गया है तनकीद तनकीद, यहां तक एक कहने लो जी देखो जी नूर जहां 27 रमजान मर गई, शब कदर मर गए, मैं कहा अल्लाह ते केस करो हूं जा, अल्लाह ते मुकदमा करो भाई नूर जहां 27 रमजान को क्यों मर गई, 27 रमजान को कोई आदमी अपनी मर्जी से मर सकता है? इतनी मुकद्दस रात, इतना मुकद्दस दिन, तो कोई बात तो अल्लाह को पसंद आई जो उसकी मौत दी। लेकिन हमारी आदत बन गई है कमियां पकड़ना, टॉन्टिंग करना, छलनी कर देना सीना, अपने आप धुन रे धुनी अपनी धुन, तुझे क्यों फिक्र है ए गुल दिले सद चाक बुलबुल की, तो अपने पैरहन के चाक तो पहले रफू कर ले, क्यों औरों के ऐब देख देख खुद भी अपने गैज़ो गज़ब में और अपने हसद का शिकार और कभी बुगज का शिकार। अरे अंधे बन जाओगा, मुझे कुछ नहीं नजर आता, मैं सिर्फ ऐब मैं सिर्फ। मस्जिद नबवी का एक कोना था और एक बंदा वहां बैठ के दुआ मांग रहा था। उसके दुआ के लफ्जों पर गौर कीजिए। ऐ अल्लाह मैं तुझसे इसलिए मांगता हूं कि तू मेरा अल्लाह है, तेरे अलावा मेरा है भी तो कोई नहीं। तो ये वो दुआ मांग रहा था और मस्जिद नबवी के कोने में बैठा था। हुजूर ने देखा तो एक सहाबी से कहा वो जो दुआ मांग रहा है उसको जाके बता दो तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है। वो मांग इस ढब से रहा है। तो ये दुआ अपने रब से न्याज है, दुआ खुद इबादत है। जब तुम्हारी जरूरतों का कफील वो है तो फिर उससे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। और जब उससे बंदा मांगता है तो फिर वो मांगने वाले की लाज भी रखता है। इन्ना रब्बकुम हयीयुन करीमुन यस्तहयी मिन अब्दिही इज़ा रफ़अ यदैहि अन यरुद्दहुमा सिफ़रा। तुम्हारा रब हया करने वाला करीम है, जब बंदे उसके सामने हाथ फैला के दुआ मांगते हैं अल्लाह फरमाता है मुझे शर्म आती है उनके उठे हुए हाथ खाली कैसे मोड़ो, जब उन्होंने मुझसे मांगा है तो मैंने भी ना दिया तो कौन देगा। मैं एक सादी सी बात करता हूं, इतने लोग जितने लोग यहां बैठे हैं अगर किसी दुनियादार के डेरे पे चले जाएं और उससे कोई चीज तलब करें और वो देने की इस्तेतात रखता हो तो वो क्या खाली लुटाएगा? वो कहेगा इतने लोग आगे हो तो डेरादारी की शान के खिलाफ है कि मैं इनको खाली लुटाऊं। तो जब ये दुनियादार खाली नहीं लुटाता तो रब कैसे खाली लुटाएगा? जब बंदे उसकी दहलीज पे चल के आ जाएं तो वो बंदों की जरूरतों का कफील है और उनके हर दर्द को जानता है और उनकी जरूरतों को पूरा करता है। उलमा ने कहा दुआ हर सूरत कबूल होती है, या तो ये है कि फौरन कबूल हो जाती है, जो मांगा फौरन मिल गया, और कभी ऐसा होता है कि फौरन नहीं मिलता, हिकमत होती है और फौरी देना मुनासिब नहीं होता तो उसको फौरी नहीं दिया जाता लेकिन दुआ बाद में कुछ अरसे के बाद उसकी डिमांड पूरी कर दी जाती है। और कभी ऐसा होता है ना फौरी दिया जाता है ना बदेर दिया जाता है, उस दुआ को जखीरा कर लिया जाता है और हशर के दिन उसका बदला दिया जाएगा। और रिवायत में आता है हशर के दिन जब उन दुआओं का बदला दिया जाएगा जिनका बदला दुनिया में नहीं मिला था तो लोग आरजू करेंगे काश के दुनिया में कोई दुआ कबूल ही ना हुई होती, सारे सिले आखिरत में मिलते। अल्लाह अकबर। फिर अपने दिल के आईने में तुम्हें हर कोई अच्छा ही दिखाई देगा ना, किसको पत्थर मारे नासर कौन पराया है, दिल के शीश महल में एक एक चेहरा अपना लगता है, वहां ये खौफ तारी होता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है। और ये तसव्वुर इंसान की जिंदगी के अंदर खैर लाता है, खशियत इलाही बातिन को निखारती है, सजदों में लज्जत पैदा करती है, रुकू और कयाम में सुरूर पैदा करती है, ये नीयतों के अंदर खुलूस और लिल्लाहियत पैदा करती है।
یہ تمہارے اعمال کے اندر حسن پیدا کرے گی. اگر اللہ کی خشیت باطن میں نہیں ہے تو کھوکھلے عمل ہوں گے, ریا ان پر مسلط ہو جائے گی, دکھلاوا آ جائے گا, عجب آ جائے گا. ہم تو نماز پڑھنے لگ جائیں تو بے نمازیوں کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں. وہ کیسی نماز ہے جس نے ہمیں تکبر میں مبتلا کر دیا, جس نے ہمارے دماغ میں غرور بھر دیا, ہمیں لوگ بونے بونے اور چھوٹے چھوٹے دکھائی دینے لگے اگر ہم نے جو ہے وہ چند سجدے کر لیے. فرماتے ایک دن حضرت سری سکتی نے مجھے نصیحتیں کی, ایک نصیحت کی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. کہنے لگے بیٹا جب میں مر جاؤں تو مجھے بغداد سے باہر دفن کرنا. تو میں نے کہا کہ حضرت لوگ تو بغداد میں دفن ہونے کو ترستے ہیں, تو آپ کہتے ہیں مجھے بغداد سے باہر دفن کرنا. تو حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے جنید میں ڈرتا ہوں میری بد اعمالیوں کی وجہ سے بغداد کی مٹی مجھے قبول کرنے سے انکار نہ کرتے. یہ وہ لوگ تھے تتا جافا جنوبہم عن المداجع, جن کی کروٹیں خوف و طمع میں بستروں سے الگ رہتی تھی اور اللہ کو پکارا کرتے تھے. مطاف کے کنکروں پہ اس کے آنسو گرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ مجھے معاف کر دے, نہیں تو نابینا اٹھانا, تیرا سامنا تو بڑی دور کی بات, تیرے بندوں کا سامنا نہیں کر پاؤں گا. تو شخص نے تواز چھوڑ دیا اور اس کو تسلی دینے لگا. تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص جانے لگا, چہرے پہ اس نے پردہ اڑا ہوا تھا. تو اس شخص کو تجسس تھا کہ میں دیکھوں یہ کون ہے جو اتنے درد سے روتا ہے اور اس کو سمجھاؤں کہ اللہ بڑا کریم ہے. تو وہ اس کے پیچھے چل پڑا. تو جب اس شخص نے نقاب سے پردہ اٹھایا تو اس شخص کی چیخیں نکل گئیں, فائزہ ہوا الشیخ عبد القادر جیلانی. تو یہ زاروں کے تار رونے والا شیخ عبد القادر جیلانی تھا. وہ ساری زندگیاں عبادت میں گزارنے کے بعد پھر بھی روتے تھے, پتہ نہیں ہماری باتیں بھی قبول ہوئی ہے کہ نہیں. کہ ایک نوجوان تھا وہ استاد کے پاس پڑھنے گیا اور تھا وہ بادشاہ. لہجہ اختیار کرتی ہے, بہتان لگاتی ہے, غیبت کرتی ہے, چغلی کرتی ہے, دو افراد کو تقسیم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے, لوگوں کے دل دکھاتی ہے, اذیت پہنچاتی ہے, گالی سب و شتم یہ اس کا مزاج بن جاتا ہے. تو اس لیے زبان سے جب بولیں تو خوبصورت بات بولیں, یا پھر خاموش رہیں تو خاموشی نجات دیتی ہے. جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. تمہارا تعارف صرف مسلم ہے, اس سے آگے جاؤ گے تو تم اللہ کے نبی کے دین پر زیادتی کرنے والے بنو گے, اس سے آگے جاؤ گے تو تم اللہ کے نبی کی محنت کو ضائع کرنے والے بنو گے. پہلے کوئی ایسا نبی لاؤ جس نے امت بنانے کے لیے اتنے دکھ جھیلے ہوں, جن کے اشارے پر احد پہاڑ سونا چاندی بننے کو تیار تھا, اب مسجد میں بیٹھے تھے چہرہ مرجھایا ہوا تھا,
काब बिन अजरा हाजिर हुए, यूं देखा, या रसूल अल्लाह बे अभी अंता व उम्मी अराक मुतगयर अल्लाह, या रसूल अल्लाह आपके चेहरे का रंग, वाह या रसूल अल्लाह आपने क्या किया और आपकी उम्मत क्या कर रही है। एकाब मा दखल जौफी मा यदखल जौफ ذات كبد منذ ثلاث, आज तीन दिन गुजर चुके हैं, इस पेट में एक लुकमा रोटी का दाखिल नहीं, हमें चाय ना मिले सर में दर्द शुरू हो जाता है। बाजार बाग में तशरीफ ले गए, अब्दुल्ला बिन उमर साथ हैं, तो खजूरें जो गिर जाए, कौवे ने ठोंक मारी गिर गई, तोते ने ठोंक मारी गिर गई, वो किसी के मिल के नहीं होते, तो आपने उठा के साफ करके खाना शुरू। पर अब्दुल्ला से फरमाया, अब्दुल्ला तू नहीं खाता? कहा या रसूल मुझे भूख नहीं। कहा अब्दुल्ला मुझे भूख लगी है, आज चौथा दिन है मैंने एक लुकमा नहीं खाया, चौथा। हम दिन में पांच दफा खाते हैं और जिनके लिए कायनात बनी वो कहते हैं आज चौथा दिन है मैंने एक लुकमा नहीं खाया। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उठ के बैठ गई, या रसूल अल्लाह खैर तो है, क्या हुआ? आपने सीधे होकर फरमाया, आयशा भूख बहुत लगी, भूख बहुत लगी। तो हम आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रोने लगी, या रसूल अल्लाह आप अल्लाह से क्यों नहीं मांगते? नहीं आयशा, मैं इसी भूख में अल्लाह से मुलाकात करूंगा, मुझसे पहले नबी इसी भूख में चले गए, मैं भी ऐसे ही जाऊंगा। इन दुखों से निकलकर आपने उम्मत बनाया, किसी नबी ने ऐसा दुख नहीं देखा जो मेरे नबी ने देखा। आपने फरमाया, अल्लाह ने हर नबी को एक दुआ का हक दिया, उसने मांग के फारिग हो गया। अल्लाह ने मुझे दुआ का हक दिया कि मेरे नबी मांग, मैंने कहा या अल्लाह मैं इसको रिजर्व में रखता हूं, क़यामत के दिन अपनी उम्मत के लिए मांगूंगा। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, गरीबों का वाली यतीमों का मौला। तो अब तो हक था कि आप बद्दुआ करते, ये सामने उम्मत नहीं है, कातिल खड़े हैं काफिर। आपने हाथ उठाए, सहाबा समझे कि हूं इनादे बेड़े बुढ़ गए। अल्लाहुम्मग़फिर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यालमून, अल्लाह मेरी कौम को माफ कर, इन्हें मेरा पता खोल दे। देखो मेरे भाइयों, जिसने काफरों के साथ ये हमदर्दी के कत्ल करने वालों के लिए दुआ मांगी, तो मुसलमान होकर एक दूसरे को सलाम करना छोड़ चुके, एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ना छोड़ चुके, एक दूसरे पर कुफर के फतवे लगा के बैठे हुए, मुझे बताओ तुम मेरे नबी के साथ क्या कर रहे? वो तुम्हें फिरकों में बांट कर गए थे या उम्मत बना कर गए थे? क्यों इस नादान खेल में अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो? क्यों उन्हें मुसलमान बन के रहते हो? इस उम्मत में इख्तलाफ शुरू से है, हमेशा रहेगा, यहां तक ना जाओ कि एक दूसरे पर कुफर के फतवे। जन्नत में कौन जाएगा? सुन्नियों ने कहा वहाबी काफिर, वहाबियों ने कहा सुन्नी काफिर, बरेलियों ने कहा देवबंदी काफिर, देवबंदियों ने कहा बरेलवी काफिर, शिया ने कहा सुन्नी काफिर, सुन्नी ने कहा शिया काफिर, जन्नत में कौन जाएगा? कुछ तो भाइयों मेरे नबी की मेहनत की कदर करो। मेरे नबी तो गैरों को अपना बनाने आए थे, हमने अपनों को गैर बना दिया। जो नफरत की आग वहां भड़क रही है, यहां मत भड़काओ, जाओ मेरे देश में देखो कितने सर कट चुके, कितने सुहाग उजड़ गए, कितनी माएं बेआसरा हो गईं, कितनी जवान बेटियों की मांग वीरान हो गई। क्या इसी का नाम इस्लाम है? इसी का नाम इश्क रसूल है? इसी को दीन कहते हैं? एक दूसरे की मस्जिदों में नहीं जाते हो, एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं पढ़ते हो, जन्नत के ठेकेदार बन गए हो?
मुझे बताओ तुम कहां से यह दीन लेकर आए हो जिसमें तुम फिरकों में बट गए हो, नफरतों की आग तुमने लगा दी है, ये कहां से इस्लाम आया है? मैं तुम्हें अल्लाह उसके रसूल का वास्ता देता, उम्मत बन के रहो, मुस्लिम बन के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। क्यों इस कदर जुल्म और सितम ढाए हुए हैं? कान अल इंसान अजूला, मेरे बंदे तू बड़ा जल्दबाज है, तेरे अंदर सबर नहीं है, देखना कहीं गलत फैसला अपनी अकल पे चलोगे तो गलत फैसले करोगे। वकान अल इंसान अक्सर शैइन जदला, तुम्हारे अंदर गुस्सा है, जल्दी गुस्से में आते हो, लड़ते हो, लोगों के हक मारते हो, अपनी अकल पे न चलना, गुस्सा अकल को खा जाता है। वकान अल इंसान कतूरा, मेरे बंदे तू बड़ा कंजूस है, बखील है, पैसा दे दूं तो और की हवस लग जाती है, समेटने के लिए औरों पर डाके डालता है। एक बदमाश डाकू है जो गन पॉइंट पे पैसे ले लेता है, एक महज़ब डाकू है जो बड़े वाइट कॉलर के साथ लोगों की जेब से पैसे निकाल लेता है। जितने अनफेयर मीन्स हैं माल कमाने के, ये सब वाइट कॉलर डाकू है। मेरे बंदे वकान अल इंसान कफूरा, तुम ना शुक्रा बहुत है, थोड़ी सी तकलीफ आ जाए तो मेरे सारे एहसान भूल जाता है, तो लिहाजा तू इस काबिल नहीं है कि अपनी मंजिल तय कर, रास्ते तय कर, किसी और से पूछ जो जानने वाला हो, उससे पूछ जिसका इल्म कामिल हो। जब जमीन आसमान में नजर दौड़ाई तो अल्लाह के सिवा कोई है नहीं जिसका इल्म कामिल हो, क्योंकि इल्म कामिल के लिए जरूरी है कि हर शय उसकी आंखों के सामने हो, जो गुजर गया वो, जो मौजूद वो, जो आने वाला वो, उसके लिए जरूरी है कि वो हर जमाने में मौजूद हो, उसके लिए जरूरी है कि वो इब्तिदा इंतहा से पाक हो, उसके लिए जरूरी है कि कोई चीज उससे छुपी हुई ना, उसके लिए जरूरी है कि उसके ऊपर कुछ ना हो जिसको देखने में मुश्किल पेश आए। तो जब ये सिफात मैं ढूंढता हूं तो सिर्फ अल्लाह बचता है जिसमें ये सब कुछ है, बाकी सब कहीं ना कहीं आके रुक रहे हैं। जो पैदा हुआ, जिसे मौत आई,